नमस्कार साथियों, मैं अंकित गुप्ता एसीपी अपडेट से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं। जो भी दिल्ली के निवासी हैं, जो भी दिल्ली के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी मिलती थी, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली सरकार और अभी इस वाले कार्यकाल में वो कंटिन्यूस रखी, लेकिन अभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर हैं आतिशी जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि कल से, मतलब 15 अप्रैल 2023 से, जो सब्सिडी है वो अब नहीं रहेगी। पहले क्या हुआ करता था, 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती थी, 200 से 400 यूनिट तक बिजली का हाफ बिल आया करता था और 400 के ऊपर पूरी बिजली का बिल दिया जाता था। लेकिन अभी जो बात मैडम ने रखी है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है, जो बिजली की सब्सिडी का पैसा है वो गवर्नमेंट वापस नहीं दे पा रही है, इस वजह से अब बिजली की सब्सिडी दिल्ली सरकार को नहीं मिल पाएगी। मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस साझा कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि कल से जो बिजली की सब्सिडी निल हो रही है, तो उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ, एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली के 46 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ है। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी, जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ़ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है, और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है, पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है, इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। कल सुबह मेरे पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई, टाटा पावर से। उन्होंने उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे लिख के बताया कि क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है, इसलिए आज से वो नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद कल ही बाकी जो BSES की दोनों डिस्कॉम्स हैं, उनसे भी मुझे चिट्ठियां आईं, यही बताते हुए कि उनके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए उन्हें भी आज से नॉर्मल बिलिंग शुरू करनी होगी।